बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाबियों से नवाजे। पीएमसी यूएचएस की तरफ से जो ओवरऑल टेस्ट हो रहे हैं, इनका रिजल्ट इंतहाई अफसोसनाक है और मेजॉरिटी बच्चे पास भी नहीं हो पा रहे। और रेशो जो फेलियर रेशो है वो ज़्यादा है और पास रेशो बहुत कम है, और अच्छे मार्क्स पर लेने वाले स्टूडेंट्स वो तो बहुत ही कम हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस इस रिजल्ट पे और जो फेलियर काजेस रेशो और इनके जो मेन काजेस हैं उन पे है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि एक्चुअली स्टूडेंट के साथ वो कौन कौन से मिसहैप हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट सही नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीजें आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी पड़ेंगी, तो फिर आपका रिजल्ट सही आएगा इंशाल्लाह। देखते हैं वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो पहली बात है वो है पीएमसी का सिलेबस की आउटलाइन और क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के रेफरेंस में ये बात कर रहा हूं, दीगर सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होगा, लेकिन बायोलॉजी के अंदर जो पीएमसी की तरफ से सिलेबस की आउटलाइंस आई हैं, क्वेश्चन उनसे बाहर भी आ रहे हैं। मसलन अगर सपोज दैट कि आपको बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर, मैं कोई भी ले लेता हूँ, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 ले लेते हैं, उसमें क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह हैं और न्यूक्लिक एसिड्स में शामिल नहीं है। दीगर क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो न्यूक्लिक एसिड के मुतालिक है। तो कहने का जस्ट मकसद ये है कि आप लोगों को जो सिलेबस आउटलाइन दी गई हैं, उन आउटलाइन के अलावा भी आप पूरे चैप्टर को फोकस करें। ये बहुत बड़ी एक वजह है क्वेश्चन स्टूडेंट के जो है ना वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में चंद एक चीजें नहीं है, वो उनमें से भी जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, चंद एक चीजें शामिल नहीं है, उनमें से भी क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आए हुए हैं। तो आप स्टूडेंट्स फोकस काइंडली ये करें कि वो पूरा चैप्टर ही देख लें, इंशाल्लाह आपके पेपर का मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बेशमार स्टूडेंट जो जैसे ही एक स्टूडेंट पेपर दे के आया है, उसने आके बाहर बताया कि ऐसा हुआ है, दूसरा जिसने सुना है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो उसका नेक्स्ट डे पेपर है वो डगमगा जाता है और उससे बेशमार क्वेश्चन ऐसे हैं जो उससे गलत अटेम्प्ट हो जाते हैं। और वो ये सुनता है कि क्वेश्चन अगर आपने एक दफा अटेम्प्ट कर लिया है, उसको आप दोबारा से रिमूव करके अच्छा आंसर भी लगा सकते हो, जो सही आंसर वो भी लगा सकते हो, बिल्कुल गलत इंस्ट्रक्शन। वो दूसरी बातों पे फोकस करके अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर बैठता है। इरेस्पॉन्सिबिलिटी। बेशमार स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंटीटेस को जस्ट यू कैन से दैट एंजॉयमेंट ले रहे हैं। और सबसे खतरनाक स्टूडेंट यही है जब वो जो स्टूडेंट्स सही से तैयारी नहीं करते, वही अच्छे स्टूडेंट का भी वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। जस्ट आके वो बाहर बताते हैं कि पेपर अच्छा नहीं है, मुश्किल पेपर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी थे जो हमने सुने ही नहीं है, जिस वजह से बच्चों का जो दूसरे अच्छा बच्चा था वो उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। फोर्थ चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्प्रॉपर प्रिपरेशन। अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ जाती है, कोई नहीं, मैंने बस पास होना है, मैंने प्राइवेट कर लेना है, मैंने उधर कर लेना है, मैंने ये कर लेना है, वो कर लेना है। ये जो बच्चे हैं ये दूसरे बच्चों का भी बेड़ा गर्क करते हैं। तो अपनी तैयारी को 100% सही करें, फिर आप पेपर में जाए। और पॉइंट नंबर 5, फोकसिंग ऑन रूमर्स। अब आपके पास ये पेपर बच्चा दे के आता है, वो कह देता है वो आपका जो पेपर है वो तो आया ही सारा आउट ऑफ सिलेबस है, वो तो फेडरल में से आ रहा है। असल में हुआ ये है कि नम्स का साथ नाम लिखने की वजह से लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि वो फेडरल में से पेपर आ रहा है ज्यादा, हालांकि फेडरल में से ज्यादा नहीं। हाँ, और चंद एक क्वेश्चन जो है ना वो हर साल ही ऐसा होता है, आप पिछले पेपर उठा के देख लें, बेशुमार क्वेश्चन पूरे पेपर में से बेशुमार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बेशुमार से मुराद 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस को टच करते हैं लेकिन आपके सिलेबस में से नहीं होते। तो इस दफा भी ऐसे ही है, ऐसा हरगिज नहीं है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो फेडरल में से आ रहे हैं, जस्ट फेडरल का सिलेबस साथ मैच होने की वजह से वो जो है वो नम्स का साथ होने की वजह से स्टूडेंट के जहन में ये बात आने लगी है कि हमारा जो पेपर है वो ज्यादातर वो नम्स में से आ रहा है, उसमें से फेडरल में से आ रहा है।
और वो क्या करते हैं, अपने पीडीबी की बुक को छोड़ के फेडरल की बुक्स में तैयारी करना शुरू कर देते हैं और पीडीबी की उधर ही उधर की रह जाती है, जिसकी वजह से उनकी तैयारी दोबारा से वो जीरो से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तैयारी होती नहीं है। और फिर ये जो मैं छठा पॉइंट है ये भी मैं डिस्कस कर रहा था साथ, कंसल्टेशन ऑफ सिलेबस, अपने सिलेबस पे कंसल्टेशन स्टूडेंट्स की जो ना वो खत्म हो जाती है, दूसरे सिलेबस पे जो ना वो कंसल्टेशन शुरू हो जाती है। हालांकि आपके सिलेबस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस में से है, मैंने हर एक जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सबकी वीडियो बनाई है, अगर आप मेरे चैनल पे आए वहां से प्लेलिस्ट पे एनएमडी कैट की प्रिपरेशन निकालें, वहां से आपको जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सबकी बायोलॉजी की वीडियो मिल जाएगी, आप देख लें उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हुए हैं। और जो रूमर्स आपने सुनी है आपको अंदाजा होगा कि आप बिल्कुल ऑपोजिट ना वो साइड पे जो ना वो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सबसे पहले प्रायोरिटी पे पीटीपी का सिलेबस पढ़े, उसके बाद चाहे दुनिया जहां की किताबें पढ़ लें, उन वो अगर आपकी तैयार है तो आपका पेपर तैयार है। बी कॉन्फिडेंट, आपको वो टैब यूज करना आना चाहिए, आपको वैसे बहुत सारी की सारी चीजें आपको बताते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं, आपको अच्छा माहौल देते हैं और इस अच्छे माहौल में आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये शेयर भी लाजमी करें, ये आपकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अल्लाह ताला आप लोगों को हर कामयाबी से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी हर एक परेशानी दूर करे, अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा आसानियां पैदा करे। आमीन सुमामीन, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।